वहीं झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार सावधानी बरतने की बातें कह रही है, फिर भी लोगों की लापरवाही सरेआम दिख रही है। जहां तहां कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी हो रहा है। एक रिपोर्ट। कोरोना का खतरा टला नहीं, सजग रहे, सतर्क रहे, ये संदेश केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कह रही है। आधा पैसा दे दिया वापस। रांची की सड़कों पर चलने वाली निगम की बसों में सफर करने वाले यात्री ड्राइवर और खलासी को दोष देते हैं, तो ड्राइवर इसे यात्रियों की लापरवाही बता पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर दोषी कौन? यहाँ भाई खाली गाड़ी है, लेकिन जितनी सवारी लोग जबरदस्ती आता है अगला गाड़ी, है ना? देख रहे हैं खाली है, फिर भी लोग खुश आता है अगला गाड़ी, सवारी है ऐसा। यहाँ अभी महामारी कितना बढ़ रहा है, लेकिन आदमी का तो होश नहीं है, कोई भी नहीं। आप चढ़ के देख सकते हैं। अच्छा, दो चार दोस्त तो खड़े ही रहेंगे, हम मना करिएगा तो उसके बाद जो कहेंगे हम जाना चाह रहे तो क्या करेंगे, बड़ा करेगा, लेकिन नहीं मानेगा पब्लिक तो क्या कर सकता है। हम लोग तो चार सीट बराबर जाए सवारी तो अच्छी बात है। हाँ, डर कैसे नहीं लगता है, डर तो लगता है, लेकिन यहाँ तो बस देख रहे हैं कि पूरा मतलब खाली ही है, ज़्यादा सीट फुल हो, सीट से ओवर लेना भी नहीं चाहिए, है ना? और ये पूरा अभी तो कोरोना का टाइम ये है तो पूरा फैल ही रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शहर में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन रांची नगर निगम के मेयर का कहना है कि संक्रमण का खतरा टला नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है और सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन भी किया जाना चाहिए। हालांकि इस दौरान मेयर भी बिना मास्क के संक्रमण के प्रति लापरवाह नजर आई। ये प्रशासन का काम है देखना, 144 धारा लगाई गई है और उस 144 धारा का पालन हो रहा है या नहीं, ये उदाहरण आपने देखा होगा होली के समय में। अच्छी बात है कि लोग को सुरक्षित रहना चाहिए और सुरक्षित रह करके अपना काम करना चाहिए, अनायास भीड़ भड़ाका ना करें, लेकिन सरकार तो स्वयं भीड़ में